फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। यूपी विधान परिषद के चुनाव में भाजपा ने 36 में से 33 पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं मेरठ गाजियाबाद विधान परिषद सीट पर शिक्षाविद भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने भगवा परचम लहरा दिया। रालोद सपा प्रत्याशी सुनील रोहटा को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। सुनील रोहटा को कुल 216 मत प्राप्त हुए, जबकि धर्मेंद्र भारद्वाज के खाते में 3708 वोट आए। इस चुनाव में 4250 जनप्रतिनिधियों को मतदान करना था, 116 वोट कैंसिल भी हुए हैं। इस जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने यह कहा। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद बोलता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं पर विश्वास जता करके मुझे टिकट देने का काम किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने और संगठन के हर कार्यकर्ता ने, क्या वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, उन्होंने धर्मेंद्र भारद्वाज बनकर काम किया और वो जीत का श्रेय उन्हें ही देता हूँ मैं। उनको नमन करता हूँ, नतमस्तकों का प्रणाम करता हूँ। जिम्मेदारी निभाने का मुझे बाखूफी आती है और उस जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगा। जब जैसे जैसे विकास निधि आएगी तो उन्हें चारों जिलों में एक समान रूप से बांट करके विकास का काम कराने का काम करूँगा और शासन से अधिक और बजट ला करके भी विकास के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या वो निकाय की प्राथमिकता हो, नगर निगम की प्राथमिकता हो, जिला पंचायत की हो, ब्लॉक प्रमुखों की हो, तो ब्लॉक की समस्याएं उन्हें सबको निजात दिलाया जाएगा और उनकी प्राथमिकता पे विकास निधि को दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्लोगन दिया था वो ऐसे ही नहीं दिया था, उन्होंने एक समान रूप से ही पूरे देश को चुना है। आप देखो, राशन वितरण हुआ, क्या उसमें ये देखा गया कि ये हिंदू समाज का है, मुस्लिम का है, ये सिख का है, ईसाई का है, सबको बराबर राशन मिला। 45 लाख घरों को वितरण करा गया, दिए गए, क्या उसमें देखा गया? आप किसान सम्मान निधि में देखा गया कोई भी ऐसी योजना जो सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा या देश के प्रधानमंत्री द्वारा दी गई, वो बिल्कुल एक समान रूप से दी गई। और सबसे अच्छी बात क्या हुई, वो आप उस चीज़ को अगर प्रमुखता से दे तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि सीधे बेनिफिट बिचौलिए ख़त्म हो गए। जब बिचौलिए ख़त्म हो गए तो वो सीधा बेनिफिट अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचा, तो उसका बड़ा लाभ मिला। उनका एक ही उद्देश्य है, सोच ईमानदार, काम दमदार। उधर हार का सामना करने पर रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी सुनील कुमार रोहटा ने यह कहा। देखो, चुनाव बीजेपी जीत गई, हमें इस चीज़ का वो नहीं है। हमने चुनाव लड़े, चुनाव हमारा गठबंधन के लोग सभी ने चुनाव लड़ाया और हम लोगों ने धनबल का प्रयोग नहीं किया। इन लोगों ने धनबल का प्रयोग किया, उसके कारण लोग बागों ने वोट वहाँ पे दिया और इन्होंने डराने काम किया, ये जीत गए। इसमें क्या लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र की हत्या होगी। लोगों ने, इन्होंने पैसे दिया, इसमें हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, सब है कि सब चीज़ करा इन्होंने, ठीक है। मेरठ गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 4 जनपद है, मेरठ गाजियाबाद, बागपत और हापुड़, जिसमें 43 बूथ्स है, 4250 मतदाता है। आज उसका मतगणना शुरू हो रही है। सारे प्रत्याशी और एजेंट्स के सामने, माननीय प्रेक्षक महोदय के सामने स्ट्रांग रूम खोला गया और उसके उपरांत फर्स्ट राउंड का जो बंडलिंग का काम है अभी शुरू हो गया है। हम बीच बीच में सारे प्रत्याशियों को और कर्मचारियों को मतगणना के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ताकि किसी के मन में कोई डाउट ना हो। हम सबसे ये अपेक्षा किए हैं कि शांतिपूर्ण मतगणना करने में वो हमसे, हम प्रशासन को सहयोग करें, उनके स्तर से सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। हम विश्वास करते हैं समय से हम लोग मतगणना के कार्य पूरा करेंगे। हमेशा विजय जुलूस पर पाबंदी रही है। प्रत्याशियों की मीटिंग की गई है कल, उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय भी सारे प्रत्याशियों को इसको स्पष्ट रूप से बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं इस निर्देश का अनुपालन करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।